अस्सलामुअलैकुम प्रोग्राम वी2 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इमशावान। नजरीन एज़ अ मुआशरा जो है पाकिस्तानी मुआशरे में एक ये टेंडेंसी बहुत पाई जाती है कि जहां एक औरत होगी तो हम ये प्रेफर करते हैं कि अगर उसे कोई बीमारी है या उसका कोई ऑपरेशन होना है या कुछ और उससे मेडिकल इशू है तो हम एक लेडी डॉक्टर से रुजू करें। अगर एक लेडी है और उसने पढ़ना है तो हम एक ऐसे टीचर को मुंतखब करें जो खुद एक औरत हो। इसी तरह जब एक औरत के साथ जुल्म किया जाता है, जब वो मज़लूम होती है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि एक औरत ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करे और उसकी प्रोसीडिंग करे। इसीलिए जो है पाकिस्तान पुलिस में, ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस में, बहुत ज़्यादा जो है औरतें रिक्रूट हो रही हैं और आ रही हैं, और ऑपरेशन के अलावा इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत ज़्यादा औरतों का रुझान है। आज हमारे साथ इसी तरह इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मौजूद हैं, जेंडर सेल्स के वो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं, सब इंस्पेक्टर इमरीन रहमान। आइए उनसे जानते हैं कि उनके लिए कितना चैलेंजिंग है एक इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज होना और किस तरह वो एक सोशल और पर्सनल को लाइफ को बैलेंस कर रही हैं। तो आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमरीन किधर से आ रही हैं? मैं इस टाइम कोर्ट से आ रही हूँ मुलजिम जुडिशल करवा के। किस तरह के मुलजिम थे? वो थे किडनैपिंग के थे। अच्छा, दो अच्छा। मुलजिम जी। अच्छा, कितना चैलेंजिंग ये आपने अमरीन अपनी मर्जी से पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी और या किसी का प्रेशर था आपके ऊपर कि पुलिस में जाना है? नहीं नहीं, ये मैंने बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन की है और ये मेरा शौक़ था कि मैं फोर्सेस की जॉब जो है वो ज्वाइन करूं। अच्छा। जहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करने का जो है वो मौका मिले, और मुझे लगा था कि पुलिस जो है वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो पब्लिक है उसके साथ इंटरेक्शन हो सकता है और वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रॉब्लम्स को सुन सकते हैं पर्सनली और आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना चैलेंजिंग था? मतलब आप देखें, ऑपरेशन में तो एक औरत तो जाती है, एक लड़की जाती है, इन्वेस्टिगेशन में होना, इन्वेस्टिगेशन अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट किया था कि अगर मैं पुलिस में जाऊंगी तो इन्वेस्टिगेशन में जाना है? नहीं, बिल्कुल मैंने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट किया था। अच्छा। क्योंकि आई लाइक चैलेंजेस। अच्छा। तो मुझे लगा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पे आप मतलब चैलेंजेस को फेस करते हुए अच्छा। आप अच्छी तरह अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, पब्लिक को सर्व कर सकते हैं, तो ये मैंने बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से। कोर्ट कचहरी के जो चक्कर लगते हैं, रोज़ आपको जाना पड़ता है, तंग नहीं आ जाती है कि रोज़ कोर्ट कचहरी जाना है? मतलब एक हमारी सोसाइटी में एक औरत तो वैसे ही बड़ा डरती है कि वो कोर्ट कचहरी जाएगी, थोड़ा आ जाता है ना रेजिस्टेंस, तो किस तरह फेस करती हैं? नहीं, जाहिर सी बात है, जब स्टार्ट था तो थोड़ा सा चैलेंजेस भी फेस करने पड़े थे, लेकिन अब ये मेरा एक पार्ट ऑफ जॉब है तो मैं मतलब मुझे नहीं फील होता क्योंकि ये मेरी एक रूटीन बन गई है। अच्छा। तो जब मैंने एक मर्ज़ी से अपना डिपार्टमेंट अपनी विश से एक चूज़ किया है तो उसमें जाहिर सी बात है जो भी ये चैलेंजेस थे, ये डिफ़िकल्टीज थी, ये मुझे पता था कि ये सब होगा, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से ये सब कुछ जो है वो सिलेक्ट किया था। लाइफ थ्रेटनिंग जॉब भी होती है, जब हम देखते हैं कि जब हम किसी केस के इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो बड़ा एक हमें मतलब हमें मारने की भी धमकी दी जाती है, यहाँ तक हमें लाइफ थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं, उसे किस तरह फेस किए हैं? कभी आई हैं कॉल्स और फेस किए इस चीज़ को? जी होता है, कॉल्स भी आती हैं, लेकिन उनको हम मैनेज कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ या किसी भी तरह जो भी हमारी SOPs होती हैं। अच्छा। वो हो जाती हैं मैनेज, और मतलब काफ़ी दफ़ा थ्रेट्स भी मिलते हैं। अच्छा। तो लेकिन हो जाता है मैनेज, फेस कर लेते हैं। नहीं, डर नहीं लगता बिल्कुल भी। थोड़ा बहुत लगा होगा कि कभी भी इस तरह डरी नहीं? नहीं, डरी तो नहीं हूँ कभी भी। अच्छा। इस तरह की चीज़ों से कहा जाता है कि जो पुलिस और जो चोर का ताल्लुक है वो अजल से है, जहाँ पे चोर होगा वहाँ पे पुलिस भी होगी। तो थाना कल्चर में जारी बात है आप कैदी होते हैं, जिस तरह ये देखें बैरिक्स हैं और यहाँ पे कैदी आए हैं और अंदर जो है सजा देके, मतलब बड़ा एक टफ सिचुएशन, टेंस सिचुएशन हो जाती है, किस तरह मैनेज करती हैं ये? एक्चुअली आपको जब आप कहीं पे काम करते हैं आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं तो आप मजबूत हो जाते हो इतना जी कि आप इस तरह के किसी भी जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर लो और आप अच्छा। उसको मैनेज कर लो। किस तरह मैनेज करना है हमें ये ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है। अच्छा। हमारी डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं, हमारे मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि किस तरह आपने किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना है। अच्छा। तो मतलब ये जो अब ये पीछे ये जेल है, यहाँ पर कैदी हैं, आपका साथ ऑफिस है, कई तरह के लोग आते होंगे, आपको भी कभी कभार हरासमेंट का सामना होता होगा क्रिमिनल्स की तरफ से या जो उनके साथ लोग आते हैं, उन्हें कैसे मैनेज करें?
नहीं, हरासमेंट क्या तो नहीं होता है, क्योंकि ये आपके अपने पे डिपेंड करता है. अच्छा. कि आप किस तरह डील करते हो, आपने किस तरह जो है मुलजिमों को डील करना है, आपने पब्लिक को कैसे डील करना है, आपके फेस एक्सप्रेशन, आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आप को कोई किस तरह डील करता है. ठीक. जब है. आप खुद मजबूत होते हो, आप खुद कॉन्फिडेंट होते हो, तो कोई ये हरासमेंट का तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है, मैं एक यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर हूँ. जी. तो इस तरह का ना तो मुझे इस डिपार्टमेंट में कोई इशू का फेस करना पड़ा है, और ना ही मुझे फील्ड में इस तरह का कोई इशू मेरे फेस करना पड़ता है. चलिए ब्रेन बैठ जाए, पहले भी आप बहुत थकी हुई हैं ये कोर्ट से, और हम बैठ के अब इंटरव्यू करते हैं. थोड़े से लाइटर नोट पे क्वेश्चन करते हैं, आपकी लाइफ कैसे बैलेंस करती हैं? एक लाइफ आपकी फैमिली में भी होंगी, आपकी फैमिली लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, फिर एक प्रोफेशनल लाइफ है, बैलेंस कैसे करती हैं? देखिए, डिफ़िकल्ट तो होता है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना, लेकिन उसके हमें पता है कि मैंने अगर घर पे हूँ तो मैंने एज अ सिस्टर, एज अ डॉटर किस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करना है, और अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ में हूँ तो तब भी मुझे पता है कि किन पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए तो हम मैंने लीगली और मैंने जो है वो जो SOPs हैं उसके मुताबिक अपने जो जॉब है उसको परफॉर्म करना है, और किस तरह मैंने सिचुएशंस को हैंडल करना है, किस तरह मैंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, किस तरह मैंने क्रिमिनल्स को फेस करना है, ये मतलब एक हमें उस ये पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए ये मैनेज करना पड़ता है. क्या क्या चैलेंजेस का सामना है आपको एज अ पुलिस ऑफिसर? किन किन एक बड़ी चैलेंजिंग जॉब है, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और किस तरह आप उन्हें फेस करती हैं? देखिए, एज अ जो फीमेल है, ये एक डिफरेंस होता है मेल और फीमेल में. जी. ठीक है. तो ये एक मेडिकली भी जो है वो डिफरेंस है मेल और फीमेल की, फिजिक में भी अल्लाह ताला ने भी एक डिफरेंस रखा है. बिल्कुल. उसकी कैपेबिलिटीज़ में भी मैन और वुमेन की, तो चैलेंजेस का सामना तो करना पड़ता है, क्योंकि ये एक पहले इस जॉब के बारे में परसेप्शन थी कि ये एक मेल डोमिनेटिंग जॉब है, तो लेकिन उसके बावजूद जो फीमेल्स हैं इन सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए हम रेड्स पे भी जाते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, हम कोर्ट में भी जाते हैं, और हम जो है वो मेडिकल भी करवाते हैं, मुजरिम को जुडिशल करने के लिए जेल भी जाते हैं. जी. सारे मतलब जो भी ये चैलेंजेस हैं इसको हम कम्पीट कर रहे हैं, और इस बात को ये जो सोसाइटी है ये भी जो है वो मान रही है कि फीमेल जो हैं वो मेल से कम नहीं है. वो हर जो है डिपार्टमेंट में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो जहाँ पे समझा जाता था कि मेल्स जो हैं वो ये मेल काम कर सकते हैं. बिल्कुल. और हमें चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, क्योंकि मेल्स जो हैं वो इजीली जो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं वो हमारे लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं. हमें डिफ़िकल्ट यानी कि मैनेज करने होता है मसला, बट जितनी मर्जी डिफ़िकल्टीज हों उन सबको फेस करते हुए हम अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रेड्स कर रहे हैं, कोर्ट में जाते हैं, मेडिकल करवाते हैं, हर चीज़ कर रहे हैं. किस तरह की ज़्यादा औरतें जो हैं जब आपके पास मसले लेके आती हैं, कहते हैं कि अगर पुलिस वाला जो है उसकी बात ठीक, जिस तरह डॉक्टर होता है वो एक पुलिस प्रॉब्लम सुन ले तो वो आधा मरीज़ ठीक हो जाता है, इसी तरह ही जब लेडीज़ आपके पास आती हैं किस तरह के मसाइल लेके आती हैं, और किस तरह फिर आप उनको सुन के तसल्ली देती हैं या आगे प्रोसीडिंग करती हैं? डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ आते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के, या कि रेप केसेस होते हैं, या किडनैपिंग केसेस होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बहुत सेंसिटिव केस जो हैं वो फीमेल लेके आती हैं. लेकिन मेरी ये पूरी कोशिश होती है, हमारी जितनी भी फीमेल्स हैं, कि हमारे पास जो आया है उसको हम इंसाफ तो बाद की बात है, उसमें जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन करने में हम पहले एविडेंस कलेक्ट करनी पड़ती है, उसके बाद एक प्रोसीजर होता है, लेकिन मेरे पास जो आया है उसको मैं फौरी तौर पे उसको मैं तसल्ली दूँ कि जो कुछ भी हो गया आपके साथ वो हो गया, बट वी आर हेयर टू प्रोटेक्ट देम, अब कुछ नहीं होने वाला, अब हम उनको कोई उनके साथ ज्यादती नहीं कर सकता, कोई नाइंसाफी नहीं होगी, हम उनको इंसाफ प्रोवाइड करेंगे, और किसी किस्म का भी मसला हो तो हम उनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे हैं. जी. उनके राइट की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम उनके पास हैं, और बगैर किसी झिझक के वो हमारे पास आएँ और अपने इश्यूज़ को रेज करें. ठीक है. अच्छा, एक ये होता है मरीन के जब कोई औरत जो है वो कोई क्रिमिनल मुंतखब हो जाती है और उसे जेल के अंदर बंद किया जाता है,
उसकी वजह से फैमिली का एक जो प्रेशर बहुत ज़्यादा पुलिस वालों को होता है या एक बच्चे जो हैं उसके वो बहुत सफ़र करते हैं, इसको कोई आपके मतलब अब जदीद बड़े टेक्नोलॉजी आ गई है मतलब सेफ सिटी अगर हम बात करते हैं तो उसने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है इंटेरोगेशन में इन्वेस्टिगेशन में, सेफ सिटी का क्या बुनियादी किरदार है इंटेरोगेशन में? सेफ सिटी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंटरोगेशन में इन्वेस्टिगेशन में, बिकॉज पहले ये होता था कि मतलब डिफरेंट जिस तरह रोबरी हो गया मोबाइल स्नैचिंग पर्स स्नैचिंग इस तरह के केसेस होते थे तो उसमें टाइम लगता था क्योंकि भाग जाते थे मुलजम या बाइक वगैरह उनकी पता नहीं चलता था नंबर का, लेकिन सेफ सिटी से हमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि अब कहीं भी कोई क्राइम होता है तो वो अगर कैमरे की आँख में आ गया है तो फिर वो मुलजिम जो है वो बच नहीं सकता तो वो हम उस तक ईजीली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, ईजीली उसको जो है वो हमें पनिशमेंट देने में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हमारे लिए जो है वो साबित हुआ है। अच्छा, जिस तरह इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह हम बाकी देखते हैं टेक्नोलॉजी आ रही है, नित नई टेक्नोलॉजी हर जगह पे है, ऑपरेशंस में है, कहीं पे भी चल रहा, इस तरह इन्वेस्टिगेशन में जब हम फॉरेंसिक साइंस की खासतौर पे बात करते हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फॉरेंसिक साइंस क्योंकि अब जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, अब कहीं भी अगर डकैती होती है या कहीं किसी का रेप होता है या कोई भी इस तरह की मतलब मर्डर होता है तो फॉरेंसिक साइंस के ज़रिए हम फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए और उसके ब्लड के ज़रिए और जो वहाँ पे मतलब हेयर्स वगैरह मिलते हैं या कोई भी फिज़िकल टचिंग वगैरह होती है उसको हम लिफ्ट करके और बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे वो अब कसूर वाला केस था तो उसमें भी यही था कि तकरीबन 80,000 के करीब फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे, नादरा से डिटेक्शन हुई थी, फिर उसके उसमें वो जो मुलजिम था उसकी और लड़कियों के साथ जो फिंगरप्रिंट्स थे वो मैच हुए तो वो पकड़ा गया वहाँ। तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट केसेस आते हैं, फॉर एग्जांपल रेप केसेस आते हैं तो उसमें हम मेडिकल के ज़रिए और मतलब जो मुलजिम है जो एक्चुअल मुलजिम है उसका इजीली फॉरेंसिक साइंस के ज़रिए डीएनए के ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि ये मुलजिम है। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है फॉरेंसिक साइंस और इसके ज़रिए डिफरेंट क्राइम्स में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। अच्छा, अमरीन, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वुमन एम्पावरमेंट क्या है आपकी नज़र में या आपका जो एक नज़रिया है वुमन एम्पावरमेंट का वो क्या है? देखिए, वुमन एम्पावरमेंट ये होती है कि किस हद तक वुमेन इंडिपेंडेंट हैं, अपने राइट्स को अवेल करने में अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको किस हद तक प्रोवाइड की जा रही हैं, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़, उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़, उनको जो बाकी जो बेसिक अमेनिटीज़ ऑफ लाइफ हैं किस हद तक उन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट को अगर हम पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएँ तो पुलिस डिपार्टमेंट में वुमेन एम्पावरमेंट है क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल्स हैं उनको मेल्स की तरह राइट्स दिए जा रहे हैं, वुमेन को वहाँ एज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो तैनात किया जा रहा है, एज अ एसएचओ लगाया जा रहा है, डीपीओ एज अ जो है वो जो हमारी हायर ऑफिसर्स हैं उनको एज अ डीपीओ तैनात किया जा रहा है और हम इक्वली जिस तरह काम कर रहे हैं उसी तरह इक्वली हमें फैसिलिटेट किया जा रहा है, हमें इक्वली मैन के तरह जो है वो पेस दी जाती हैं। आखिर में इमरीन क्या मैसेज देना चाहोगी जो न्यू रिक्रूट होती हैं और जिन्हें बहुत शौक होता है फोर्सेस में जाने का या पुलिस को ज्वाइन करने का और ख़ास तौर पे वो इन्वेस्टिगेशन में आएंगी, आपको देखे तो बहुत सी औरतें जो हैं वो एक उनमें एक मोटिवेशन भी पैदा होगी, तो क्या उनके लिए पैगाम? उनके लिए ये जो नई मतलब जो मैं कहूँगी कि जो बाकी जो लड़कियाँ हैं जो एजुकेटेड लड़कियाँ हैं उनको आना चाहिए डिपार्टमेंट में, अच्छा डिपार्टमेंट है ये, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे और एक आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और एक अच्छी सैलरी पैकेज है और एक आपके अंदर मतलब जिस तरह एक हर डिपार्टमेंट में हम चाहते हैं कि फ़ीमेल हो तो इसी तरह अगर मज़ीद लड़कियाँ यहाँ पर आएँगी और हम सोसाइटी की जो फ़ीमेल हैं वो आके देखेंगी पुलिस स्टेशन में कि एक फीमेल ऑफिसर बैठी है तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट फील करेंगी अपनी प्रॉब्लम्स को बताने में। तो बाकी जो सोसाइटी की वूमेन हैं उनके लिए भी मेरा ये पैगाम होगा कि उन्हें अपने जो राइट्स हैं उनका पता होना चाहिए, उनके क्या राइट्स हैं, क्योंकि हमारे दीन ने भी हमारे इस्लाम ने भी हमें औरत को एक अच्छा मुकाम दिया है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो रिलीजन है उनके।
तो उन्हें अपने राइट्स का पता होना चाहिए। अगर उनके साथ कोई भी अला ना करे मिसहैप होता है या इंसिडेंट होता है या उनके राइट्स कहीं भी एक्सप्लॉइट होते हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है, किसी किस्म का भी वायलेंस है, तो उन्हें बगैर झिझक के बगैर किसी एजिटेशन के उन्हें आना चाहिए। वी आर हेयर टू प्रोटेक्ट देम देयर एंड देयर राइट्स। थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ थी अमरीन रहमान, और जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि फॉरेंसिक साइंस और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है क्रिमिनलिटी को इन्वेस्टिगेट करने में, उनकी इंटरोगेशन में। इसके साथ ही साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में वी2 के साथ हमारे साथ एक और बाहिम्मत खवातीन हमारे साथ होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।